तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, कल जो मैंने वीडियो डाला था वो पबजी कोरियन का था, और आज से जितने भी पबजी के गेम प्ले आएंगे वो सारे के सारे पबजी वियतनाम के होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा चूतिया मचा दिया। कसम से बोल रहा हूँ, अपने आप को गाली देने का मन कर रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत किया था। मतलब जब पबजी इंडिया हाइप पे था कि पबजी इंडिया अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो मैंने बोला था कि पबजी कोरियन पर मैं कोई भी मेहनत नहीं करूँगा, जितना भी मेहनत करना होगा वो सारा का सारा मैंने मतलब मेहनत पूरा का पूरा पबजी इंडिया पे करूंगा। लेकिन भाई साहब, पबजी इंडिया तो आ नहीं सका, लेकिन पबजी कोरियन के ऊपर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। मतलब उसके सारे स्टैक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके कंट्रोल सब सही किए, पूरे के पूरी सेंसिटिविटी सही की। लेकिन भाई साहब, एक गलती कर दिया कि मतलब एक मिशन करना था, मतलब वो यदि एक दो घंटे का मुझे टाइम था, यदि वो एक दो घंटे में मिशन पूरे कर लेता तो कुछ 10 करेट जो मिलते ना, 10 मिशन पूरे होने पर 1 करेट जो मिलता वो मिल जाता मुझे, तो 2 RP बढ़ जाते मेरे। बस उस लालच में मैंने है ना पबजी का सर्वर चेंज कर दिया, मतलब एशिया से नॉर्थ अमेरिका कर दिया भाई साहब, और यही बड़ी गलती थी। मतलब मैंने देखा भी नहीं कि 60 दिन के बाद आप चेंज कर सकते हो दोबारा, लेकिन भाई साहब ओके पे क्लिक कर दिया और मेरी लग गई, बोलते हैं ना, मतलब लग गई। और मैं सोचा कि अब भाई साहब होगा क्या, और मैं नॉर्थ अमेरिका में खेलना स्टार्ट किया तो भाई साहब सिर्फ बॉट पे बॉट आते थे, और किसी ने मुझे पिछले वीडियो में ही कमेंट किया भाई कि तू है ना दुनिया को चूतिया बना सकता है, मुझे नहीं चूतिया बना सकता क्योंकि तू सर्वर चेंज करके खेलता है। तो भाई जिस मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ आप जाके कमेंट खुद ही देख सकते हो उनको, हाँ मतलब अपना ही बंदा है, लेकिन हाँ भाई साहब हंसी मजाक में उसने बोला, लेकिन हाँ भाई यदि एशिया छोड़ के कोई भी सर्वर खेलेगा ना भाई, सबके सब बॉट आएंगे, एक भी बंदे नहीं आते यार, एक आध बंदे वो भी बहुत कम आते हैं भाई दूसरे सर्वर में, कसम से बता रहा हूँ, सारे के सारे बॉट आते हैं। तो इसके लिए मैंने पबजी वियतनाम डाउनलोड किया है और उसमें भाई साहब ठीक ठाक बंदे आ जाते हैं, तो आज से वही गेम प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वही मैं बात करूँ इस गेम प्ले की, तो भाई साहब ये गेम प्ले तो कतई जहर है, मतलब क्लच पे क्लच देखने को मिलेगा, मतलब बिना वेट किए यार शुरुआत करते हैं, मतलब कतई जहर तरीके से ये गेम प्ले। तो भाई साहब मैं सस्ते ताजमहल पर उतर जाता हूँ और अब देखो शुरुआत कैसे होती है। और भाई साहब यहाँ पे मैं 3 लौंडे को एक साथ नॉक करता हूँ, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना हिमालय पे पहुँच जाता है एकदम कतई जहर तरीके से। मैं बोलता हूँ भाई साहब चौथा लौंडा कहाँ है ना, घुस के पेलूंगा, कहीं पे भी हो ढूंढ के पेलूंगा, और देख मतलब कतई जहर तरीके से मारता हूँ उसको, देखो कतई। और भाई लोग ये क्लच पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना यार, एम करते हैं हम 50 लाइक का। और भाई साहब जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दो, और जल्दी से जल्दी 4000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो यार, हमारा अगला टारगेट 4000 है, तो फटाफट से पूरे कर दो यार। और जितने भी तमाम दोस्त होंगे तुम्हारे सबको शेयर करो ये वीडियो फटाफट से। और यहाँ पे भाई साहब कोई उतरा नहीं था, मतलब सिर्फ एक स्क्वाड आई थी और फ्री फोकट का पेली गई। और भाई साहब मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि कोई भी आया नहीं, तो मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ से पोचिंकी की तरफ, और उधर भी लौंडे मिलेंगे, और बीच रास्ते में मुझे कुछ बॉट्स मिलते हैं तो उनको मारने के बाद आराम से निकलते हैं हम पोचिंकी। और भाई साहब मैं यहाँ जैसे ही पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है यहाँ पे बहुत सारे लौंडे, और भाई साहब 2 लौंडे को तो मैं किसी तरीके से नॉक करता हूँ। अब यहाँ मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे अब 3 लौंडे हैं या 4 लौंडे हैं, मुझे ये नहीं पता था, तो एग्जैक्टली मैं दोनों को नॉक करके मैं पीछे की तरफ भागता हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड के बिल्डिंग में है ना वो बंदे का फुटस्टेप आया, तो मैं बच के किसी तरीके से भागना चाहता हूँ दूर, और फिनिश करने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन फिनिश कर नहीं पाता हूँ, तो मैं किसी तरीके से कवर में आता हूँ क्योंकि कहीं से भी कोई भी लौंडा आके फेल सकता है भाई साहब। अब यहाँ पे सीन ऐसा होता है भाई साहब, मतलब जब तक ये दोनों फिनिश नहीं होते तब तक इसका टीममेट एकदम आराम से बैठा होता है, और जैसे ही ये दोनों फिनिश होते हैं कसम से उसके अंदर काली माता आ जाती है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, एकदम दुर्गा का रूप धारण करके भागा चला आता है मेरी तरफ से, बोलता है नहीं हम तुमको पेल के ही रहेंगे, तो भैया आ रहा है हमारी तरफ से एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम फाइट लेने के लिए। और भाई
भाई लोग कसम से बोल रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से इसको कूद के मतलब जंप करके मारा हूँ ना, मतलब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है कि नहीं बेटे तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। कसम से बोल रहा हूँ, इस तरीके से मैं किसी को भी आज तक नहीं मारा था, और भाई साहब ये पहली बार है जहाँ मैं कूद के जंप करके भाई साहब किसी को हेडशॉट मारा हूँ। कसम से इतना अच्छा फील हुआ ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। कसम से सपोर्ट कर दो यार चैनल को, एकदम कदम जहर बना दो भाई साहब। कसम से बोल रहा हूँ, नए नए गेम भी खेलूंगा, हाँ सिर्फ पबजी नहीं आएगा, बहुत सारे गेम खेलूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। वाईफाई लगने दो बस एक बार, एकदम तबाही होगा जब लाइव स्ट्रीम होगी तो भाई साहब एक नंबर शॉट होने वाला। और यहाँ पे भाई साहब देखो दो चार बॉट और आएंगे, मतलब हाँ उससे धीरे धीरे छोटे मोटे किल मिल जाएंगे मुझे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अपन निकलते हैं यहाँ से, बंदे ढूंढते हैं, मिलते ही नहीं है, जोन बन जाता है भाई साहब। क्या बोलो, आज का वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन जोन बन जाता है, क्या कर सकते हैं, तो बंदे तो मिलते ही नहीं है। तो भाई साहब किसी तरीके से बॉट को पेल पाल के मतलब निकलते हैं यहाँ से, और लास्ट में लास्ट जोन में मिलते हैं भाई साहब। अब इन बॉट के चक्करों में मैं जोन से ना ठिल जाऊं, इसके लिए मैं फटाफट जोन पे आता हूं और हील वील करता हूं और लॉन्डे ढूंढने की कोशिश करता हूं। मतलब लॉन्डे मिलने को तैयार ही नहीं है, कसम से बोल रहा हूं, मतलब चार लॉन्डे बचे, मतलब मेरे को लगा कि चार लॉन्डे, मेरे अपोजिट में तीन लॉन्डे सिर्फ बचे। अब मतलब मुझे पता नहीं अब ये तीनों एक ही टीम के हैं कि अलग अलग टीम के हैं। भाई साहब मुझे एक बंदा सामने स्पॉट होता है और भाई साहब उसको नॉक में करने की कोशिश करता हूं। देखो अब ये बंदे को तो मैं किसी तरीके से नॉक कर देता हूँ, मतलब ये लौंडा भी खतरनाक होता है गुरु, मतलब मुझे आधा से ज़्यादा डैमेज दे चुका है। तो मैं भी हील करता हूँ और उसको रिवाइव देने के लिए उसका टीममेट उधर ही है भाई साहब, और उसको स्मोक में पूरा घेर लेता है। तो मैं किसी तरीके से नेट वेट करने की कोशिश करता हूँ, नाकाम कोशिश, मतलब आपको भी पता है मुझे भी पता है अपना नेट बहुत सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता, कसम से बता रहा हूँ, मतलब कभी नहीं फटता यार, कसम क्या ही बोलूँ, मतलब कभी नहीं फटता यार। और भाई साहब मैं दोबारा से इस बंदे को नॉक करता हूँ, और कसम से मैं सोच रहा था मतलब इसको पूरी तरीके से फिनिश कर दूँ इस बार, लेकिन भाई साहब कौन से रीच के पीछे छिप गया भाई, मुझे दिखता ही नहीं है, कसम से बोल रहा हूँ कोई लौंडा नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों में से कोई नहीं। अभी मुझे पता नहीं है कि तीसरा लौंडा, एक और लौंडा जो बचा हुआ है वो किधर है, और वो मतलब मुझे सरप्राइज देगा यार, कसम से बोल रहा हूँ, मतलब इतना खतरनाक सरप्राइज देगा ना तुम सोच भी नहीं सकते हो मुझे। मतलब मैं सोच रहा हूँ अब स्मोक कर दिया मतलब उसके ऊपर जोन नहीं है, वो हमारी तरफ आएगा तो मैं उसके ऊपर पूरा टारगेट करके रखता हूँ कि जैसे ही आएगा हम उसको पेल देंगे। लेकिन तभी कुछ हमारे साथ कुछ अपमानजनक हरकत होती है, वो देखो क्या होता है। और मुझे मरने के बाद पता चलता है कि इसका तीसरा लौंडा मेरे पीछे ही था, और भाई साहब या तो मेरे पीछे घूम के आया, भाई साहब पीछे से मार दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पर क्लिक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और मुझे हाँ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।